అస్సలాము అలైకుం ముఖాముఖి కార్యక్రమానికి స్వాగతం. ఈరోజు మనతో పాటు ఒక ప్రముఖ అతిథి ఉన్నారు, జనాబ్ ఉస్మాన్ మహమ్మద్ ఖాన్ గారు. ఉస్మాన్ మహమ్మద్ ఖాన్ గారు గ్రేటర్ హైదరాబాద్ కాంగ్రెస్ కమిటీ ఉపాధ్యక్షులు, అంతేకాదు తెలంగాణ కాంగ్రెస్ కమిటీలో సభ్యులుగా కూడా ఉన్నారు. ఇప్పుడు మనం ఉస్మాన్ మహమ్మద్ ఖాన్ గారితో మాట్లాడి ముఖ్యంగా వక్ఫ్ ఆస్తులు, వక్ఫ్ అంటే ఏంటి, వక్ఫ్ బోర్డు అంటే ఏంటి, వక్ఫ్ ఆస్తుల పరిస్థితి ఎలా ఉంది, ప్రభుత్వం మైనారిటీలకు ఇచ్చిన హామీలు ఎంతవరకు నిలబెట్టుకుంటుంది అనే విషయాల గురించి ఇప్పుడు చర్చిద్దాం. అస్సలాము అలైకుం ఉస్మాన్ గారు. వాలేకుం అస్సలాం జనాబ్. కుచ్ చీజే ఐసే హై కి కై లోగోంకు ఉస్కే పూరా జో హై ఇల్మ్ నహీ హై, తో వక్ఫ్ క్యా చీజ్ హై ఆఖిర్, వక్ఫ్ క్యా హై ఔర్ వక్ఫ్ బోర్డ్ క్యా హై. सबसे पहले मैं आपको बोलूँगा कि मैं कोई वक्फ का ऑफिसर नहीं हूँ, लेकिन वक्फ की थोड़ी बहुत नॉलेज रखता हूँ, वक्फ में दिलचस्पी रखता हूँ और उस पर वर्क करता हूँ. तो वक्फ बोर्ड जो है, वक्फ ये है कि कोई ज़मीन आप किसी ऑब्जेक्ट के लिए, कोई मंशे के लिए वक्फ कर देते हैं तो उसको वक्फ बोर्ड में वक्फ करना पड़ता है और उसी मंशे पे वक्फ बोर्ड को काम करना पड़ता है. वक्फ बोर्ड ये होता है कि कस्टोडियन होता है, आप जो भी प्रॉपर्टी वक्फ करते हैं उसके ऊपर उसको मैनेज करता है, उसके ऑब्जेक्ट पे काम करता है. जैसा कि आप कोई भी अगर काम करेंगे, अगर अपनी प्रॉपर्टी वक्फ में देंगे तो वो वक्फ बोर्ड में जाएंगी और वक्फ बोर्ड उसके अफेयर्स देखेगा. अच्छा, तो वक्फ कोई भी कर सकता है? वक्फ कोई भी कर सकता है. तो मंशाए वक्फ क्या चीज है? मंशाए वक्फ ये होता है कि आप जो भी प्रॉपर्टी वक्फ करते हैं उसके पीछे एक ऑब्जेक्ट होता है जो मंशाए वक्फ कहलाता है. मंशाए वक्फ जैसा कि आप, मंशाए वक्फ ये है कि ये मेरी प्रॉपर्टी का जो भी रेंट आएगा, ये रेंट से आप एजुकेशन के लिए बच्चों को पैसे दीजिए. अगर सिर्फ उस पर एजुकेशन के लिए देना है तो एजुकेशन के लिए देना पड़ेगा आपको. और मजीद अगर आपका कोई मंशा है कि इससे जो भी है कि मुस्लिम डेड बॉडीज को बरी कराइए तो मुस्लिम डेड बॉडीज को बरी कराएंगे, या इस पे मंशा है कि इसमें आप गरीब लोगों को कारोबार के लिए दीजिए तो वो उस पे होगा, या नहीं आप इससे किसी को सवाबे जारिया मजारात पे फूल चढ़ाने के लिए मंशा अगर रहेगा तो वो देगा. कोई दुरुदो सलाम के लिए मंशा है वक्फ है प्रॉपर्टीज, कोई एजुकेशन के लिए, कोई खतना के लिए, ऐसे काफी मंशाए वक्फ है. वक्फ बोर्ड सिर्फ कस्टोडियन होता है ये प्रॉपर्टी का और इनका काम होता है जो भी प्रॉपर्टी है उसके मंशाए वक्फ के हिसाब से ही उसके पैसों को यूटिलाइज करें. तो इसमें अब मुसलमानों को क्या फायदा है वक्फ के जो जायदाद है, और इसे क्या गरीबों को कोई फायदा है क्या? देखिए वक्फ में जो चीजें हैं वो आम लोगों को फायदा पहुंचाने वाले हैं. मंशाए वक्फ के हिसाब से ही काम होना चाहिए. वक्फ बोर्ड से कोई गरीबों को फायदा नहीं है, कोई अमीरों को फायदा नहीं है. जो भी मंशाए वक्फ होता है सबके लिए फायदा है. अगर किसी का मंशाए वक्फ है कि मेरी जो भी प्रॉपर्टी है इससे मस्जिद के मैनेजमेंट चले तो वो मस्जिद के मैनेजमेंट से चलना है. अगर मेरी ये जमीन है इससे जो भी पैसे आ रहे हैं, इससे जो भी किराया वसूल हो रहा, इससे एजुकेशन को जाना है तो एजुकेशन के लिए जाना है. अगर इससे हॉस्पिटल्स के बिल्स पे करना है तो बिल पे करना है. जो भी मंशाए वक्फ है उससे हर किसी को फायदा हो सकता अगर मंशाए वक्फ सही हिसाब में चले. और रह गई बात दूसरी, लोगों का गुमान यह है कि वक्फ बोर्ड सिर्फ गरीबों का है, वक्फ बोर्ड से गरीबों का फायदा होता, फलानी जमीन इतने करोड़ की, फलानी जमीन नहीं, वक्फ बोर्ड सिर्फ मंशाए वक्फ पे चल सकता है. इसके मंशाए वक्फ की खिलाफ वर्जी बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो भी आदमी अपनी प्रॉपर्टी वक्फ करता है तो उसमें एक मंशाए वक्फ होता है, उसी मंशाए वक्फ के तहत वो प्रॉपर्टी का इस्तेमाल हो सकता है. उससे हटके बिल्कुल नहीं हो सकता है. अगर मुसलमानों को फायदा उठाना है तो माइनॉरिटी फाइनेंस कमीशन, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का जो भी फंड आता है 2000 करोड़, 3000 करोड़, 1500 करोड़, वो यूटिलाइज होना चाहिए, जो यूटिलाइज नहीं हो रहा है. अच्छा, तो ये वक्फ का पैसा, वक्फ बोर्ड का जो मामला बिल्कुल अलग है, गुमराह कर रहे हैं ये. माइनॉरिटी फाइनेंस कमीशन से मुसलमानों को फायदा उठाना चाहिए. वक्फ बोर्ड का जो मंशाए वक्फ होता है, किसी का मंशाए वक्फ होता है कि फ्लड्स, मेरे पैसे जो भी आए, कहीं कहीं फ्लड हुआ तो उसके लिए रिलीफ भेजो, तो ऐसे कई है. कोई कब्रिस्तान वक्फ करे हुए है. आज मैं समझता हूँ, मैं 10-15 साल से इस फील्ड में काम कर रहा हूँ, अभी तक नहीं देखा कोई प्रेजेंटली वक्फ करे प्रॉपर्टीज. जो पास्ट में था वही लोग वक्फ करें, बस वही चल रहा है, वही प्रॉपर्टीज चलते आ रहे हैं. जी वही चलते. कई प्रॉपर्टीज मसाजिद के लिए भी वक्फ हो गए. जी, तो अब वो जो प्रॉपर्टी मसाजिद के लिए वक्फ हो गई है, एक जमाने में वो आबादी होंगी मगर अब गैर आबादी हो गए हैं, तो ऐसे मसाजिद कितने होंगे? तेलंगाना स्टेट में 125 से 150 मसाजिद गैर आबाद है. जी, कई उसमें मसाजिद हैदराबाद में है,
जो चार मीनार हलके में एक पांच छह मस्जिद निकल जाएंगे आपको, लाल दरवाज़ा है, छतरी नाका है, इसके आसपास के इलाकों में कई मस्जिद है, खूबसूरत मस्जिद गैराबाद है। बहादुरपुरे में आ जाइए आप, जोलॉजिकल पार्क में, नेहरू जोलॉजिकल पार्क में मस्जिद गैराबाद है। एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चर कॉलेजेस जो यूनिवर्सिटी है उसमें मस्जिद गैराबाद है। आप याकूतपुरे में आ जाइए, वहाँ पर थोड़े मस्जिदें हैं, गैराबाद है। आप शेखपेट आ जाइए, शेखपेट में इंटरनेशनल स्कूल में एक मस्जिद है जो गैराबाद है, वक्फ की है। ऐसे कारवान तो मस्जिदों से भरा हुआ है। कुमारवाड़ी में एक मस्जिद है जिसमें पूरा सिर्फ मिट्टी का मलबा है और एक खाने की मस्जिद है। कारवान में से कई मस्जिद हैं, शेखपेट में है, सात गुमस के अतराफ में कई मस्जिद है, सात गुमस के पीछे के हिस्से में एक मस्जिद है जिसमें जिसको घर की शक्ल दे दी गई, आज भी वो मस्जिद वैसे ही है। तो गच्ची बोली में ऐसी मस्जिदें हैं, कई मस्जिदें हैं हैदराबाद के दरमियान में जो गैराबाद है। शेखपेट की मस्जिद जिसके नाम से शेखपेट है, जिसकी वक्फ ज़मीन पूरी शेखपेट की है, उस मस्जिद भी आज गैराबाद है। वो बोलते हैं कि आर्कोलॉजी में है। अगर आर्कोलॉजी में है तो आर्कोलॉजी का काम होता कि उसको मेनटेन करे, कभी आर्कोलॉजी जाके उसमें झाड़ू तक नहीं मारी। और उस मस्जिद की वक्फ कमेटी भी थी, तो ये मस्जिद गैराबाद कैसा है? ऐसे कई सवाल है जो हमको बेचैन करते हैं। तो ये गैराबाद मस्जिद जितने भी है, अब जैसा कि आपने कहा कि यूनिवर्सिटी में है, अगरकतन यूनिवर्सिटी में भी कुछ मस्जिद है और कई जगह ऐसे मस्जिद है, क्या ये भी वक्फ के तहत ही आ रहे हैं? ये वक्फ मस्जिदें हैं, वक्फ के तहत ही आते हैं, इसकी वक्फ अराजी भी है। और एक एक बात मैं आपके चैनल से वाजे कर दूं, मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए कोई परमिशन की जरूरत नहीं रहती। लोग उसको आबाद कराने के लिए सोचते हैं, जब नमाज कंटिन्यूसली चलते रहती तो मस्जिद खुद आबाद हो जाती। ये मस्जिदें गैर आबाद इसीलिए हुई क्योंकि वहाँ पे मुसल्लियों की तादाद कम हो गई, वहाँ पे माइनॉरिटी मुसलमान लोगों की रिहायशें कम हो गई, रहने के घर कम हो गए, वहाँ पे वीरान होते होते वीरान हुई जी। तो आज वीरान हो गई, इसको आबाद करना हमारा काम है। वक्फ बोर्ड को भी चाहिए ऐसे जो भी मस्जिद होते हैं इसके पास एक मौलवी का, एक इमाम का घर बनाए, उनको वहाँ पे मुखरर कर दे ताकि उनकी रोजी रोटी भी चले, मस्जिद भी आबाद रहे, जो भी मुसाफिर या जो भी दोस्त अहबाब गुजरते रहते हैं वो लोग नमाज पढ़ लें, वहाँ पे एक वजू खाना बनाए, ये मस्जिदें आबाद हो जाएंगे। ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। अगर हुकूमत सीरियस इसको ली जी, अगर हुकूमत हमारे उलमाए दीन, हमारे मुस्लिम खयादतें अगर इसको सीरियस लिए, तो मैं समझता हूँ एक महीने में शहर के पूरे मस्जिदें जितने भी है आबाद हो जाएंगी। वक्फ बोर्ड को यहाँ तक के पैसा देने की भी ज़रूरत नहीं होगी, साहेब खैर है, बिल्कुल चालू करेंगे। अल्लाह के फजल करम से कई मस्जिदों को मैं खुद गया, वहाँ के मोहल्ले के नौजवानों की, बुजुर्गों की मदद लेके कई मस्जिदें चालू कराया। बहुत बढ़िया काम है। मगर एक चीज़ क्या है, जो गैराबाद मस्जिद अब है तो वहाँ पे जब मस्जिद में लोग जा नहीं आते हैं, कोई नमाज ही नहीं होती है, तो क्या उसको कब्जे का खतरा नहीं है? अब तो वक्फ बोर्ड क्या कर रहा है? देखिए, पहली चीज, जितने भी गैराबाद मस्जिद है बहुत खस्ता हालत में है, कहीं गिरने की कागार पे है, कोई गिरा रहे हैं उसको। रिसेंटली आज से दो दिन कबल हमारे जिल्लगुड़े में एक मस्जिद का मैं दौरा करा, वो मस्जिद को शहीद करके ज़मीन दोस्त कर दिया गया। वहाँ पे कब्रिस्तान भी है, वहाँ के लोग उसका पूरा हर चीज़ देख रहे हैं, कर रहे हैं, यहाँ तक के कोर्ट केसेस भी वो लोग ही डाले। वहाँ पे पूरा कब्रिस्तान को जेसीपी से लेवल करके, आखिरी में टाइम नहीं रहा तो मट्टी जो खबर है उस पर मट्टी डाल दिए, हम जाके साफ करें तो वहाँ पे मट्टी भी खबर मौजूद निकले। अल्हम्दुलिल्लाह, अगर खबर मौजूद नहीं निकलती थी वो मस्जिद का मलबा उड़ जाता था, तो फिर बोलते थे यहाँ पे थी नहीं। जी। तो वक्फ बोर्ड में प्रॉब्लम ये है कि वक्फ बोर्ड में स्टाफ बहुत कम है। जी। हम ब्लेम करते हैं वक्फ बोर्ड के जो भी आला ऑफिसर रहते हैं उनको ब्लेम करते हैं, जो भी नॉमिनेटेड पोस्ट पे वक्फ बोर्ड पे आते हैं उनको ब्लेम करते हैं, लेकिन वक्फ बोर्ड का जो बेस स्टार्ट होता है वो जो लोकल ऑफिसर रहता है, जो इंचार्ज रहता है, उसका काम है कि वक्फ बोर्ड में जाके रिपोर्ट दे, साहब यहाँ पे ये कंडीशन चल रहा है, यहाँ पे जायदाद लुट रही है। आज तक आपके चैनल से मैं चैलेंज कर रहा हूँ, बताइए कौन सा वक्फ का इंस्पेक्टर, कौन सा ऑफिसर जो अपनी ड्यूटी करते हुए वक्फ बोर्ड में दिया, साहब यहाँ पे जगह लुट रही है, ये खामोश बैठ जाते हैं जी। और फिर ये एनक्रोचमेंट्स के जो, इसीलिए खामोश बैठ जाते हैं, वक्फ बोर्ड को जुडिशियल पावर नहीं है। अच्छा जी, जुडिशियल पावर ने, ये बात तो समझ में आने वाली है, मगर ये जितने अपने सामने वाकयात आते हैं कि वक्त की आराजी कब्जे में चली गई, ये कैसा बाहर आई ये चीज़ें?
क्या लोकल पॉपुलेशन ने खुद आवाज उठाई? ये देखिए, जिसको दर्द होता है, कोई लोग हमको मैसेज करते हैं, कोई लोग कॉल करते हैं, कोई लोग डायरेक्ट वक्फ बोर्ड आते हैं। वक्फ बोर्ड में एप्लीकेशन देना मेरे हिसाब से समंदर में एक कंकर डालने के बराबर है। वक्फ बोर्ड बिल्कुल आपाज है, वक्फ बोर्ड के पास कोई पावर नहीं है, वक्फ बोर्ड कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास जब तक जुडिशियल पावर नहीं आएगा, जब तक कोई जायदाद नहीं बच सकेंगी। वक्फ बोर्ड में यहाँ तक के परमानेंट वकील नहीं है। वक्फ बोर्ड को वकीलों को भी हायर करना पड़ता है, चाहे कोई भी केस में हो। उसके बाद वक्फ बोर्ड के पास कोई ऐसी टीम नहीं है जो ये वक्फ के जमीनों को प्रोटेक्शन कर सके। वक्फ पे आप इस तरीके से जो कब्जे में चले जाते हैं, एक अलग चीज है। और खुद हुकूमत, जैसा कि सेक्रेटरीट की, नई सेक्रेटरीट के तामीर का जो मामला सामने आया, तो हुकूमत खुद जो है दो मसाजिद को शहीद कर दी जी। अब उसको फिर बनाने की बात हो रही है, मगर उसके नमूने में, डिजाइन में उसको निशानदेही नहीं आ, कहीं दूसरे जगह की गई है। इस पे जो है लोग इतराज भी कर रहे हैं, कुछ प्रोग्राम्स भी चलाते जा रहे हैं, तो इस पे क्या है सर, इस पे वक्फ बोर्ड को क्या करना चाहिए? पहली चीज मैं आपको बोल देता हूँ, इतराज बिल्कुल करना चाहिए। और वक्फ बोर्ड को इल्म में नहीं रखते हुए ये काम किया गया। पहली हुकूमत की ये प्री प्लान था, जब आप एक सेक्रेटरीट बना रहे हैं, जब आपके पास पूरा प्लान आ गया, जब एक चंद्रायन गुट्टे के हमारे MLA उन्होंने खुद अपने असेंबली में बोले कि वो उस मसाजिदों को देख के आप वो करिए, बहादुरपुरे के MLA वो खुद बोले कि आप उस मसाजिदों को देख के वो करिए। जब एक प्लान बनता है तो असेंबली में पूरों को बता के पास होता है। ये सेक्रेटरीट बन रहा था तो उनके भी इल्म में था ये कुछ होगा, लेकिन उसको कोई सीरियस नहीं लिए। दूसरी चीज, साक्षी पेपर में क्लियरली डाला कि जो नल्ला पोचम्मा मंदिर थी वहां पे, उसको बा अदब पूजा के साथ हमारे वहां से मूर्ति को शिफ्ट किया गया, पूरे जितने रसूमात होते हैं उसके साथ शिफ्ट किया गया। और हिंदू धर्म के हिसाब से शिफ्टिंग कर सकते हैं। अब हम शरीयत की बात करेंगे तो शरीयत में मसाजिद एक बार जहां पे कायम हो जाती है, जायज़ ज़मीन पर एक बार मसाजिद जहां कायम हो जाती है, ता क़यामत वो मस्जिद वहीं पे रहती है। और जब क़यामत आती है तो वो टुकड़ा आसमान में जाता है और अल्लाह सुबहान तआला को गवाही देता है कि यहाँ पे कौन कौन नमाज पढ़े जी। तो ये शरीयत की खिलाफ वर्जी हुई है। और जो मसाजिदें सेक्रेटरीट में तोड़े गए, मैं आपको बता दूं, सेक्रेटरीट में पहले सिर्फ एक मस्जिद थी जी, मस्जिद सेक्रेटरीट जिसको दफातीर बोलते थे जी। उसके बाद सेक्रेटरीट को तौसी किया गया, जब तौसी किया गया तो मिंट को तोड़कर एक मिंट का हिस्सा भी ले लिया, तो मिंट में भी एक मस्जिद थी जिसका नाम था मस्जिद हाशमी। अच्छा, तो ये दो मसाजिद सेक्रेटरीट में आ गई और दोनों भी नोटिफाई गजेटेड वक्फ प्रॉपर्टीज है। अच्छा, तो ये हुकूमत की प्रॉपर्टी नहीं होती, ये वक्फ प्रॉपर्टी थी जी। और वक्फ प्रॉपर्टी को अगर छीने के लिए भी अगर कुछ कर रहे हैं जी, तो वक्फ बोर्ड से इसका परमिशन लेना पड़ता। दोनों मसाजिदों को ढा दिया गया जी, किसी को आने नहीं दिए, इमाम मोजन को 4 दिन पहले से अंदर आने नहीं दिए जी, और वक्फ बोर्ड से कोई परमिशन नहीं लिए। वक्फ बोर्ड उस मसाजिदों का कस्टोडियन होता है, वक्फ मसाजिदों का वक्फ बोर्ड कस्टोडियन होता है। आप मेरे को ये बोलिए कि उस मसाजिद के मुसल्ला, जानिमास, कुरान मजीद, तोगरे, जो कुछ भी वहां पे मसाजिद के चीजें थे, मीनारात जो भी थे, हमारे बाइज्जत चीजें जो भी थे मसाजिद के, वो किसको किसको दिए? वो मलबे में चले गए। तो ये बहुत प्री प्लान और दिल को तकलीफ देने वाला डेमोलिशन था जी। और किस के बाद के चंद्रशेखर राव साहब एक ट्यूट भी करे, महमूद अली साहब बोले कि थोड़ा सा मलबा गिर गया। मलबा गिर के डैमेज होना अलग चीज है और जमीन दोस्त करना अलग चीज है। मस्जिद तो वहीं पे बनना चाहिए जहां पे मस्जिद थी एज पर शरीयत, और गूगल मैप के हिसाब से जहां पे जो मसाजिदें थे वो दो मसाजिदें, दो सेपरेट मसाजिदें अपने अपने मुकाम पे बनना चाहिए जी। तो ये KCR साहब प्री प्लान करें तो इसकी हम मजम्मत भी करें और मिलियन मार्च भी करें, सिग्नेचर कैंपेन करें हम। अल्हम्दुलिल्लाह 10 लाख सिग्नेचर हमको मौसूल हो गए जी। और मजीद हमारा फ्राइडे तक खत्म हो जाएगा सिग्नेचर कैंपेन।
तो प्रोटेस्ट हम बराबर करेंगे उसके बारे में। तो पार्टी की तरफ से कराया है, ये जॉइंट एक्शन कमेटी की तरफ से है। तो ये एक चीज क्या है, सेक्रेटरीट के मसाजिद का मामला तो हुकूमत का एक मंशा था, तो उसके हिसाब से हुकूमत ने काम किया। तो ऐसे कई मसाजिद के मामले में ऐसे ही खबरें आते जा रहे हैं, जैसे कि आप चिदलगुड़ा का मामला बताएं। मैं आपको वाजे कर दूं चंद मसाजिद हैं और चंद आशुरखानों के बारे में। जी हाँ, वही चाह रहा हूँ कि क्या तेलंगाना गवर्नमेंट में, जब से ये गवर्नमेंट हुकूमत में आई, इन्होंने सबसे पहले मस्जिद एक खाना को शहीद किया, आशुर खाना हजरत अब्बास को शहीद किया अंबरपेट में जो वाक़ था। फिर उसके बाद खम्मम में एक मसाजिद थी फॉरेस्ट में, उस मसाजिद को ये शहीद करे। वहां दोनों जगह पे डिप्टी चीफ मिनिस्टर और अभी प्रेजेंट होम मिनिस्टर साहब तयखून दिए कि इमीडिएटली ये बनाए जाएंगे। आज 1.5 साल हो गया एक खाना नहीं बनी, आज 1.5 साल हो गया खम्मम की मस्जिद नहीं बनी। उसके बाद आप मस्जिद सियाहत सेक्रेटरीट की मस्जिद और मस्जिद हाशमी शहीद हुई जी। उसके बाद ट्वीट करें आप कि ये मसाजिदें ऐसा मलबा गिरने से हो गई, आप नहीं बना के दिए। नारायण पेट में आशुर खाना हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के नाम से आशुर खाना था, उस आशुर खाने को, खूबसूरत आशुर खाने को, 100-125 साल पुराने स्ट्रक्चर को तोड़ देकर डेमोलिश कर दिया गया जी। वहां पे भी तयखून दिए कि वो ऑफिसर्स पे एक्शन लेंगे, अभी तक कुछ नहीं हुआ। उसके बाद दुर्गम चेरू जो सनशाइन हॉस्पिटल के बिल्कुल सामने एक मस्जिद है, उस मस्जिद को भी केबल फ्लायर के उसमें और वहाँ पे पूरा डेवलपमेंट कर रहे हैं, पार्क बना रहे हैं, बायोमेट्रिक यूनिवर्सिटी के पीछे वहाँ पे पूरा उसको डिस्टर्ब कर दिए, उस मस्जिद का रास्ता बंद कर दिए। आज उस मस्जिद को जाना है तो 1 से 1.5 किलोमीटर पैदल होके जाना है। पहले तो उस मस्जिद को आदि शहीद कर दिए थे, अल्हम्दुलिल्लाह हम गए वहाँ के नौजवान गए उसको मस्जिद को आबाद करें, वहाँ पे एक दरगाह भी है, वहाँ पे खबरों को भी मिसमार किया गया। वहाँ पे अब तक वहबोट कुछ नहीं कर सकती, सिर्फ आते ख़त्म, क्योंकि ये हुकूमत के हाथ में है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूँ मैं, दुर्गम चेरू के तालाब के पास जिसको मोती का तालाब बोलते हैं, वहाँ पे एक बहुत खूबसूरत दरगाह है और मसाजिद है, उसके बिल्कुल सामने मलकम चेरू एक पार्क है, अच्छा सनशाइन के बिल्कुल पीछे, हुसैन शाह वली के पीछे का हिस्सा, वहाँ पे कुतुब शाही मस्जिद है जिसको मैं 2 साल पहले भी साफ सफाई करा के आबाद कर रहा था, जिसकी वक्फ की वक्फ बोर्ड की कमेटी है वहाँ की, उस मस्जिद की कमेटी के बाद भी हमारे को चंद अनासर वहाँ पे काम करने नहीं दिए, MRO काम रुका दिए, हमारे को रेवेन्यू वाले काम रुका दिए, पुलिस आके काम रुका दी। फिर उस मस्जिद को आज 1 हफ्ता पहले उसकी पूरी बाउंड्री वगैरह सब तोड़ दिए, मस्जिद के अतराफ तक भी पूरा JCP चला दिए, फिर मैं उसका काम रुकाया और आवाम के दरमियान में वो बात को वायरल करा लेके आया। आज फिर वक्बोट तयखून दी कि हम उसकी बाउंड्री कराएंगे और ये हफ्ते में उसमें मस्जिद में नमाज चालू करा देंगे। तो हम सिटी में रहते हुए कुछ नहीं कर सक रहे हैं, तो अजलाओं में, गांवों में, जंगलों में जो मसाजिदें हैं उसका क्या हाल हो रहा आप सोच सकते हैं। बिल्कुल सही है। तो ये हाईकोर्ट का भी एक बयान आया था, वक्बोट क्या इनके मामलों में जो कब्जे हो रहे हैं, इन मामलों में वक्बोट क्या कर रही है, यहाँ तक भी कोर्ट के बातें यहाँ तक कह दिया कोर्ट की कि आप लोग उनसे मिले हुए हैं और क्यों नहीं क्रिमिनल केस, पुलिस केस क्यों नहीं फाइल होता है उस उन मामलों में। तो ये क्या वक्फ बोर्ड का बिल्कुल ही जो है इस पर केयरलेस एटीट्यूड, या जो है वक्फ बोर्ड उसको यूं ही छोड़ देता है। वक्फ बोर्ड, मैं आपको फिर वाजे कर दे रहा हूँ, वक्फ बोर्ड अंडरटेकिंग बॉडी ऑफ गवर्नमेंट है जी। हुकूमत जो हुकूमत चलती है उसकी पुलिस होती है, जो हुकूमत चलती है तमाम तमाम डिपार्टमेंट उसी के इशारों पे चलते हैं। तो TRS हुकूमत, हुकूमत में आने से पहले की बात बता रहा हूँ मैं आपको, आप गौर फरमाइए, TRS हुकूमत सबसे पहले 12% रिजर्वेशन मुसलमानों को देते बोले, फर्स्ट पॉइंट दिए नहीं अभी तक कुछ नहीं, 4 महीने में तमिलनाडु की शक्ल में देते बोले, खुद की शक्ल में भी नहीं दिए, बहरहाल रिजर्वेशन के लिए बिल्कुल फेल हो गए। वक्फ बोर्ड को जुडिशियल पावर देते बोले, वक्फ बोर्ड को जुडिशियल पावर नहीं दिए। असेंबली में एक मुशायरा चला था जी, उस मुशायरे में
लीडर ऑफ अपोजिशन, मैं लीडर ऑफ अपोजिशन ही बोलूंगा उनको क्योंकि अपोजिशन में वही है, इस्लामिक लाइब्रेरी का डिमांड करे थे हाईटेक सिटी के पास 10 एकड़ पे, ये तो 3 एकड़ 2 एकड़ पे बोल रहे थे। सीएम साहब बोले कि 10 एकड़ पे मैं जबरदस्त इस्लामिक लाइब्रेरी बनाऊंगा जो इंडिया का एक नमूना रहेगा। आज तक वो इस्लामिक लाइब्रेरी हवा में है। ओल्ड सिटी में मेट्रो लाते बोले, मेट्रो तो दूर की बात, ओल्ड सिटी में मेट्रो का फाउंडेशन नहीं डला। बहादुरपुरे का ब्रिज इतना लेट बन रहा है कि बनता भी नहीं, बनता भी नहीं मालूम है लोगों को, कई लोग तो तसव्वुर में इंतकाल फरमा गए उस ब्रिज के। सही है। तो ये ओल्ड सिटी का डेवलपमेंट है। शमशाबाद में आप एक न्यू हज हाउस बनाते बोले थे, आज तक वो हज हाउस हवा में है। उस्मानिया हॉस्पिटल का 2015 में आप दौरा करें, दौरा करके बोले इसको बहुत जबरदस्त रेनोवेट करूंगा और इसके अतराफ बहुत जबरदस्त हॉस्पिटल बनाऊंगा, जो भी इसको एक्सपेंशन करना है करूंगा। आज आप उस्मानिया तोड़ने की चक्कर में है। परसों पानी आ गया तो पूरा जगह खाली करवाया, पानी भी आ गया ना हॉस्पिटल, परसों पानी आ गया, फिर उसके बाद कंटिन्यूसली 5 दिन पानी पड़ा, क्यों नहीं आया पानी जी? तो ये चीजों को हमको समझना पड़ेगा। नहीं, ये ऐसा समझ में आ रहा है कि कई चीजें हैं, उस्मानिया हॉस्पिटल का मामला है, ये रमनजल का केवीआर पार्क है, केवीआर पार्क को मैं सबसे पहले आते ही आसिफ जाही पार्क बनाऊंगा जी। कहाँ पे आसिफ जाही पार्क बना बताइए। जहांगीर पिरा दरगाह को 50 करोड़ रुपए लगा के उसको डेवलप करूंगा बोले, अभी तक डेवलप नहीं करे। माइनॉरिटी के लोगों को फाइनेंशियल हेल्प करूंगा बोले, लोन्स दूंगा बोले, कहाँ तक लोन्स हुए जी। लोग लाइन में, मैं अच्छा याद है मेरे को, लोग लाइनों में खड़ के फॉर्म्स फिलअप करके बिजनेस लोन, ये लोन वो लोन बोले, अभी तक नहीं मिले। महमूद अली साहब हजारों में ऑटोस देते बोले जी, अभी तक नहीं दिए। तो एक वादा, इतने में आपको वादे सुनाया लिस्ट ऑफ जी। एक मेरे को जितने याद थे उतने सुनाया, भाई डबल बेडरूम है, काफी कुछ है जी, एजुकेशन लोन है, काफी चीजें हैं जो मैं आपको भी नहीं बताया। डबल बेडरूम के तो मेरे ख्याल से किसी को मिलेगी नहीं। तो तमाम चीजों में क्या हुआ बोलिए आप, अभी तक कोई वादा तो खैर कोई वादा नहीं हुआ। स्टेटमेंट बहुत अच्छा आता जी, जब सेक्रेटेरिएट के 2 मसाजिद शहीद हुए तो हमारे जीएचएमसी के मेयर बुंदलू राम मोहन साहब ये बोले कि ये हम मशवरा करके तोड़े। अच्छा, ये पेपर्स में है, आप देख सकते हैं उनका स्टेटमेंट है, हम मुस्लिम लीडरशिप से ये मशवरा करके वो करे, उलमाए दीन से और मुस्लिम लीडरशिप से। आप वाजे करिए कौन सा मुस्लिम लीडर है जो आपको मस्जिद शरीयत के खिलाफ जाके तोड़ने के लिए बोला जी। आप हमारे कौन से उलमाए दीन है आपको बोले जी, या आप वाजे करिए, आप कबूल करिए कि आप झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोल रहे हैं, सही है जी। उनसे पूछा गया, ये हमारे चीफ मिनिस्टर का रवैया है जो मुसलमानों का वोट बैंक लेके गुमराह करके मुसलमानों को आकर आज उनकी हर चीज पे आप वो कर रहे हैं। आप इरम मंजिल ले लीजिए, इरम मंजिल का मामला है। आप इरम मंजिल इतनी खूबसूरत है जिसकी कोई हद नहीं है जी। आप अपने हाईकोर्ट ले लीजिए, दुनिया का खूबसूरत है। आप ये तमाम चीजों को मिटा के एक लेटेस्ट बिल्डिंग बनाना चाह रहे हैं, क्यों? हैदराबाद में जगह नहीं है, हैदराबाद बॉम्बे हो गया, बहुत सारा जगह है। गंडीपेट क्यों सूख गया जी, सोचिए आप, हमारे आबो अजदाद के जमाने से नहीं सूखा, गंडीपेट के पूरे जहां से पानी आता था वो रास्ते बंद कर दिए गए। गंडीपेट के ऊपर भी नजर है, हिमायत सागर के ऊपर भी नजर है, ये हमारे तमाम निशानियों को मिटाना चाह रहे हैं और ये सेकुलरिज्म का एक झूठा चोला पहने हुए है। तो हम आप और एक चीज गौर करिए, तेलंगाना में गोलकुंडा किला जो भी देखने जाएगा उन्हें तेलुगु में पढ़ेगा और इंग्लिश में पढ़ेगा, उर्दू वहां से गायब है जी। रेलवे स्टेशनों पे से उर्दू गायब है जी। आप ORR जा रहे हैं जी, ORR पे से उर्दू गायब है जी। गवर्नमेंट इदारों पे से उर्दू गायब है, पुलिस स्टेशनों पे से उर्दू गायब है, किलोमीटर पे से उर्दू गायब है। आप सेकेंड लैंग्वेज उर्दू को दर्जा दिए, आप सेकेंड लैंग्वेज उर्दू का ये हाल कर दिए कि दूर दूर तक तो कहीं भी नहीं है, उर्दू नहीं दिखाई देती कहीं भी। सही। तो जो चीफ मिनिस्टर अपने वादों पे नहीं उतर सकता जी, जो आवाम को एतमाद में लाके ये वादे नहीं पूरे करने वाला, वो धोखेबाज चीफ मिनिस्टर है जी। तो यहाँ पे एक चीज और क्या है, वक्फ बोर्ड क्योंकि गवर्नमेंट के तहत ही होती है तो गवर्नमेंट के खिलाफ तो जा ही नहीं सकती, मगर एक पर्टिकुलर केस में जो है बहुत ही डटके कोर्ट में का लड़ रही है, दरगाह हुसैन शाह वली। तो दरगाह हुसैन शाह वली क्या मंशाए वक्त क्या था, क्यों वक्फ बोर्ड जो है उस केस में या केस जीतने के इम्कान थे, अगर
केस इनके हक में आ गया पपुआ के, तो किसको फायदा होने वाला है? पहली चीज, चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव साहब बोले थे कि मैं दरगाह हुसैन शाह वली की जमीन हासिल करूंगा, ये उनके अल्फाज थे। जमीन है 1600 एकड़ कुछ चिल्लर आसपास जमीन है, बहुत बड़ी जमीन है, और वो जमीन है हजारों करोड़ की जी। और उस जमीन, वो जमीन दरगाह हुसैन शाह वली रहमतुल्लाह अलैह के दरगाह के तहत है, और जहां तक मेरे को मालूम है उसका मंशा है वक्फ, उसका ऑब्जेक्ट जो है, उस जो भी पैसे आएंगे तो वहाँ के जो मुतवली हजरात है, वो दरगाह के जो भी केयरटेकर्स है और जिम्मेदारान है बहरहाल, उनके लिए और उनके लोगों के लिए है। अच्छा। इसमें कोई आवाम के लिए नहीं है जी। या कोई इंस्टीट्यूशंस के लिए नहीं है जी। या कोई प्राइवेट लोगों के लिए नहीं है, या कोई गरीब और अमीर के लिए नहीं है जी। ये हुसैन शाह वली की दरगाह की जमीन के पैसे जो आएंगे हुसैन शाह वली दरगाह के लोग, और अभी तक वक्फ बोर्ड करोड़ों रुपए इस पे लगा चुकी है। वक्फ बोर्ड को चाहिए कि हर चीज का मंशा क्लियर करे ताकि लोगों में बेचैनी ना रहे और एक चीज को बता के गुमराह ना करे लोगों को जी। सही है। अरे यहाँ से आना है, उप्पल में 400 एकड़ वक्फ जमीन है जी। उप्पल की कुतुबशाही मस्जिद के तहत वो डे बाय डे इंक्रोच हो रही है उस पर। गवर्नमेंट इलेक्ट्रिसिटी के डिपार्टमेंट्स बन जा रहे हैं, टेलीफोन डिपार्टमेंट्स बन जा रहे हैं, बड़े बड़े जंक्शंस डल जा रहे हैं, बड़े बड़े बस स्टॉप्स बन जा रहे हैं, सब काम हो जा रहा, कुछ वक्फ बोर्ड को हासिल नहीं हो रहा। वक्फ बोर्ड को चाहिए अगर ऐसे प्रॉपर्टीज है जी। तो जैसा नानो कंपनी टाटा की लॉन्च हुई थी, ऐसे बड़े इंडस्ट्रीज को पकड़ के लेके आके यहाँ पे स्टैब्लिश कराए, ताकि करोड़ ऑफ रुपीज में जी। हम सिटी के अंदर ही है, यहाँ पे इतनी जमीन, यहाँ पे ये मल गई, वहां पे वो फलां आला। वक्फ बोर्ड के आउटस्कर्ट्स में आउट ऑफ सिटी कई बड़े बड़े प्रॉपर्टीज है जिसपे वर्कआउट कर सकते हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स ला सकते हैं, एक बड़ी एमएनसी भी बन सकती है। आज गच्ची बोली मैं समझता हूँ वक्फ जायदाद है, लेकिन हासिल हमारे को उसका एक रुपया नहीं है। गच्ची बोली की बात है तो लैंग्वेज का भी मामला उसमें है। ये तमाम चीजें उसी में है, तो ये तमाम चीजों का हमको अगर वाकई अगर सीरियस हो के इसके लिए वक्फ बोर्ड नहीं, इसके लिए हर किसी को काम करना चाहिए, हर मुस्लिम जमात को, हर सेकुलर आदमी को इसके लिए वर्क करना चाहिए। अगर ये तमाम चीजें करेंगे तो बहुत सारे बेनिफिट्स गरीब अमीर मिडिल क्लास सबको होंगे। वक्फ बोर्ड एक काम ये कर सकता है कि कोई पार्टी तरफ से आप लोग भी जॉइंट एक्शन कमेटी या कोई भी उन पर दबाव भी डाल सकते हैं वक्फ बोर्ड पर, कितने जायदादे हैं, कौन सी जायदाद का क्या मंशा है वक्फ बोर्ड, क्या ये लिस्ट बाहर नहीं दे सकता वक्फ बोर्ड? गजट काफी लोगों के पास है, लिस्ट दे सकता, लेकिन कई जायदादें, मदीना बिल्डिंग है जी। मदीना बिल्डिंग का मंशा है वक्फ, मदीने शरीफ को पैसे जाना है जी। नबी खाना है, नबी खाने के 40 मलगियां हैं, नबी खाने के जो भी पैसे रहते वो दुरूद सलाम पढ़ने के लिए है। तो साबिखा में जो चेयरमैन थे खुसरो पाशा साहब, वहाँ पे आपाज और हैंडीकैप लोगों को वहाँ पे रख के दुरूद सलाम करके उनको एक वजीफा चालू कर दिए थे। अच्छा। एक मलगी में तो ऐसे कई चीज़ें, एक ऐसा भी मंशा है वक्फ है कि मेरी मज़ार पे सिर्फ उसके फूल चढ़ना है, उसका भी किराया काफ़ी बड़े लेवल में आता है। सुल्तान बाजार में कई प्रॉपर्टीज़ है, तो मंशा है वक्फ पे ही काम कर सकते हैं, और मंशा है वक्फ पे वक्फ बोर्ड काम अभी नहीं कर रहा है। मंशा है वक्फ मालूम करना और मंशा है वक्फ के हिसाब से हम उस चीज का डिमांड करना जी। तो दबाव कैसा बढ़ा सकते हैं? दबाव नहीं है, अवेयरनेस आना चाहिए, दयानतदारी ईमानदारी सब में होना चाहिए जी। और वक्फ बोर्ड में स्टाफ बढ़ाना चाहिए, नौजवानों को लेना चाहिए। वक्फ बोर्ड के एक एक इंस्पेक्टर की तनख्वाह लाखों रुपए में है, 90,000-80,000 रुपए है। तो ये तमाम चीजों के लिए हमको बहुत एक समझदारी से और एक प्रोग्राम के तहत काम अगर करेंगे तो वक्फ जायदादें कुछ बचा सकते हैं, काफी लूट चुकी है। जब कुछ काम आरटीए की तरफ से हुआ क्या इन्फॉर्मेशन जो है वक्फ बोर्ड से लेने का, कि कौन सी जायदाद कहाँ पे है, किसका मंशा क्या है? कौन सी जायदाद में आपको हर जगह मिल जाएंगी वक्फ की जायदाद जी। उसके मंशा वक्फ भी मिल जाएंगी, लेकिन वक्फ बोर्ड के पास जुडिशियल पावर नहीं है, वक्फ बोर्ड खुद नहीं जा सकती। जिलाल गुड़े का वक्फ बोर्ड को चाहिए, एक साल हो गया वहां के लोकल लोग अपने खुद के जेब के पैसों से खर्चा करके उस मस्जिद को और कब्रिस्तान को सेव करे, और वो जेसीपीओ से वो मस्जिद को फिर ढाया गया। अब वक्फ बोर्ड के इंस्पेक्टर बोलते हैं कि अरे ये कब हुआ, ये ड्यूटी इंस्पेक्टर की होती है, और एक इंस्पेक्टर पूरे रंगारेड्डी के लिए आप एक इंस्पेक्टर दे दे रहे हैं, रोज गाड़ी भी लेके फिरा तो पूरे प्रॉपर्टीज नहीं फिर सकता। सही है। तो वक्फ बोर्ड के पास एक सेल होना चाहिए, एक टास्क फोर्स होना चाहिए,
और एक अच्छी टीम होना चाहिए। जुडिशियल पावर अगर वक्फ बोर्ड के पास रहा तो वक्फ प्रॉपर्टी सेफ हो सकते हैं। इंशाल्लाह हम डिमांड करेंगे जुडिशियल पावर के लिए। और के चंद्रशेखर राव साहब, टीआरएस गवर्नमेंट जो जो चीज हमारे को दी, वादे करी, अब तक एक भी चीज पे इंप्लीमेंट नहीं करा। हम इसके ऊपर भी आवाज उठाएंगे। नेक्स्ट मैं इंशाल्लाह आपके साथ माइनॉरिटी लोन के ऊपर किसको क्या मिला और अभी तक कितने लोन वापस चले गए, इससे अवाम का क्या फायदा हुआ, जिससे गरीब अवाम का फायदा होता है, मैं उस पर इंशाल्लाह आपसे गुफ्तगू करूंगा। विनर गदा उस्मान मोहम्मद खान गारू, कांग्रेस वाइस प्रेसिडेंट, ग्रेटर हैदराबाद कांग्रेस कमिटी। రాష్ట్రంలో ఉన్న వక్ఫ్లు వాటి పరిస్థితి ఎలా, ఆస్తులు వక్ఫ్ ఆస్తులు ఆక్రమణకు గురవుతున్నాయి, ఎలా మస్జిదులు ధ్వంసం చేయబడుతున్నాయి, ఎలా ఆ ఇచ్చిన వాగ్దానాలని ప్రభుత్వం ఏమాత్రం పట్టించుకోకుండా నిర్లక్ష్యం చేస్తూ వాగ్దానాలు కేవలం గాలి మూటలుగా వదిలేస్తుంది, ఈ వివరాలన్నీ చెప్పారు. కాంగ్రెస్ వర్కింగ్ కమిటీ తరఫు నుంచి, జాయింట్ యాక్షన్ కమిటీ తరఫు నుంచి వాళ్ళు ఒత్తిడి తీసుకొచ్చి ప్రభుత్వంపై ఈ వాగ్దానాలు పూర్తి చేసేలా ఒత్తిడి తీసుకొస్తామన్నారు. చాలా సంతోషం అండి ఉస్మాన్ ఖాన్ గారు. ఇది ఈరోజు ముఖాముఖి కార్యక్రమం, మళ్ళీ ఇంకో కార్యక్రమంలో మళ్ళీ కలుసుకుందాం. అంతవరకు సెలవు, అల్లాహ్ హాఫిజ్.